Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. That's great. Today we will be doing work in Hindi workbook. Open page number 4040. Here you will be writing date, that is 10th October 2020, and tick on Kaksha Karya. Okay? उ की मात्रा के शब्द लिखो. यहाँ पे कुछ और उ की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है फिर लिखकर प्रैक्टिस करनी है. चलिए पढ़ते हैं पहले. सूरज सूरज, कबूतर कबूतर, तरबूज तरबूज. अब हम इन बिंदुओं पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे. सूरज सूरज, कबूतर र कबूतर, तरबूज तरबूज. चलिए अब हम इन लाइन्स पर लिखेंगे. सूरज सूरज, कबूतर कबूतर, तरबूज तरबूज. चलिए नाउ अब आप ये देखें, यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें हम पहले पढ़ेंगे फिर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे. मजदूर मजदूर, कपूर कपूर, तराजू तराजू. चलिए अब इन बिंदुओं पर लिखेंगे हम पहले. मजदूर मजदूर, कपूर कपूर, तराजू तराजू. अब हम इन लाइन्स पर लिखेंगे. मजदूर मजदूर, कपूर कपूर, तराजू तराजू. अब लास्ट लाइन. ओके आई होप सो दिस पेज इज क्लियर टू यू. नाउ ओपन पेज नंबर 4141. हेयर ऑल्सो यू विल राइट द डेट, दैट इज 10th October 2020, एंड यू विल टेक ऑन गृह कार्य. ओके आपको ये पेज ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको पेज नंबर 40 करके दिखाया. ओके नाउ ओपन पेज नंबर 4242. ओके हेयर ऑल्सो यू विल राइट द डेट, दैट इज 10th October 2020, एंड टेक ऑन कक्षा कार्य. सुंदर सुंदर लिखो. यहाँ पे दो वाक्य लिखे हुए हैं, इन्हें आपको पहले बोलना है फिर उसकी लिखकर प्रैक्टिस करनी है. ओके भूखा भूखा, चूहा चूहा, आलू खा गया. भूखा चूहा आलू खा गया. चलिए अब हम इन बिंदुओं पर लिखेंगे. भूखा चूहा आलू खा गया. भूखा चूहा आलू खा गया. अब हम इन लाइन्स पर लिखेंगे. भूखा चूहा आलू खा गया. विराम. चलिए अब हम नेक्स्ट वाक्य पढ़ते हैं. राजू तराजू उधर मत रख. अब हम इन बिंदुओं पर लिखेंगे. ठीक है राजू तराजू उधर मत रख. अब हम इन लाइन्स पर लिखेंगे. राजू तराजू उधर मत रख. ओके आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है. ठीक है बच्चों. नाउ ओपन पेज नंबर 4343. ओके हेयर ऑल्सो यू विल राइट द डेट, दैट इज 10th October 2020, and you will take on गृह कार्य. ओके दिस इज योर होमवर्क. सुंदर सुंदर लिखो. मैं आपको यहाँ पे दो वाक्य पढ़ के दिखाऊंगी, इन्हें आपको खुद लिखकर प्रैक्टिस करनी है. जीतू भगवान की पूजा कर. विराम.
जीतू भगवान की पूजा कर। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। शालू का चबूतरा टूट गया। शालू का चबूतरा टूट गया फिराम। अब आप इन दोनों वाक्य की लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों? और आपका कार्य बहुत ही सुंदर और साफ होना चाहिए। थैंक यू।